वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग नील बोर का जो एनर्जी फार्मूला है जो अब तक हम लोग यूज करते आए हैं उसको डिराइव करेंगे। क्या था फार्मूला? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको चाहे तो हम लोग जूल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का चार्ज पिछले लेक्चर में देखे थे कितना था, जेड इंटू ई था। आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये घूम रहा है ना तो इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ये भी होगा और ये भी होगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो मॉडल है ये सोलर सिस्टम टाइप मॉडल है ना, प्लैनेटरी मोशन टाइप मॉडल है। इन दोनों सिस्टम के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है ना। ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, डिस्टेंस फिक्स है। तो ध्यान से सुनिए, प्लैनेटरी मोशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, बिकॉज दो प्लैनेट के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है बिकॉज अट्रैक्शन है। ये रट्टा मार के रखिएगा, ये ग्रेविटेशन चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट अभी ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। और एक बात, ये कब नेगेटिव होगा? अट्रैक्शन अगर दो बॉडी के बीच में है तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ एक बात और ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक पॉजिटिव होगा, माइनस रहने से पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। सो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं -2 ke लिख सकता हूं और ये ke एक बार फिर से ऐड हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -ke। तो E टोटल इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन मैग्नीट्यूड बट विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मुझे वेलोसिटी निकालना है, और मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। अगर वेलोसिटी निकाल लेंगे यहां प्लेस कर देंगे। सो देखो, हम लोग रेडियस वाला अब यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग पता कि इतना रेडियस याद है, रेडियस क्या आया था? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड आया था। नाउ एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2π, ये यूज हुआ था। सो नाउ वेलोसिटी इज एन एच बाय 2π एम आर। देखो इसको नीचे भेज दिए, व्हाट इज आर? nth ऑर्बिट में आर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्लेस कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू एन एच बाय 2π एम आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। यहां थोड़ा स्पेस के लिए फिर से झगड़ा हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, मैं जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। ये आर नॉट रह जाएगा, एन एन कैंसल होगा, ये आएगा एच बाय 2πm, एच बाय 2πm आर नॉट इंटू जेड बाय एन आएगा, जेड बाय एन आएगा।
नाउ ध्यान से देखिए, ये एच है, ये टू पाई है, एम है, आर नॉट है, दिस इज अगेन अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अगेन अ कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम लोग वी नॉट बोल सकते, कौन इतना कैरी करके दोबारा लिखेगा, इसको लिख देंगे इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। देखिए v का भी फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, v नॉट z बाय n मिल गया। अब इसको यहां प्लेस कर देते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, आ गया जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये अगेन एक कांस्टेंट है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, और एक बार कैलकुलेट करके हमेशा याद रखेंगे। तो पहली बार जब कैलकुलेट करेंगे या दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, हर बार वैल्यू तो एक ही आएगा। कैलकुलेट करके देखिए आप, यहाँ पर वी नॉट कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। दिस विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और अगर आप इसको जूल में करेंगे तो ये आएगा 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग पता किए टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो E टोटल क्या हो गया, E टोटल हो जाएगा इसका नेगेटिव या इसका नेगेटिव, जो यूनिट आपको पसंद है यूज कीजिए, −13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम का एनर्जी है ना, इसीलिए पर एटम लिखिए, ठीक है। सो दिस वाज डेरिवेशन फॉर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे एक चीज और डिराइव कर दी है, V डिराइव कर दी है, ठीक है। Thank you.